उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित उन्नाव गैंगरेप की पीड़िता सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल है, जिसे लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। हादसे पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस ने हादसे के पीछे राजनीतिक साजिश बताई है। उन्नाव गैंगरेप के आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर के अभी तक पार्टी में बने रहने पर भी सवाल खड़ा किया गया। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा में पीड़िता को देश की बेटी बताते हुए उसकी सुरक्षा की मांग की। बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी पीड़िता के सड़क दुर्घटना में घायल होने के पीछे साजिश ही बता रही हैं। और मैं मंत्री जी से कहूंगा, जो उन्नाव में घटना हुई वो भी तो सोचिए। अरे माननीय सदस्य प्लीज, एक बेटी के साथ हुई है, एक बेटी के साथ क्या हुआ है माननीय सदस्य प्लीज। जिस प्रकार से उन्नाव रेप पीड़िता के साथ बलात्कार के बाद सेंगर और उसके परिवार के सदस्यों को भाजपाई संरक्षण मिला और पूरे देश में इस बात को लेकर बेचैनी उठी, ये पूरा देश जानता है। जिस प्रकार से उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की उत्तर प्रदेश की पुलिस की कस्टडी में हत्या हुई, ये सबने देखा। यहां तक कि चश्मदीद गवाह जो थे उन तक की बड़े मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में हत्या हो गई। आदित्यनाथ जी बताइए, मेरा मुंसिफ ही अगर मेरा कातिल है तो कौन भला मुझे इंसाफ का सिला देगा। पीड़िता के घायल होने को यूपी पुलिस महज एक सड़क दुर्घटना मान रही है और पुलिस का कहना है कि पीड़िता को पुलिस सुरक्षा दी गई थी, लेकिन दुर्घटना के वक्त कोई साथ में नहीं था। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें एक रोड एक्सीडेंट में उन्नाव में जो पिछले वर्ष घटना हुई थी, जो बलात्कार की पीड़िता थी, वो कल अपने परिवार वालों के साथ उन्नाव से रायबरेली जा रही थी और उस कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें हम लोगों ने ट्रक वालों को भी पकड़ लिया है, उनके ओनर, उनके क्लीनर, उनके ड्राइवर सभी को पकड़ लिया है। प्रथम दृष्टया ये एक एक्सीडेंट का मामला है और बहुत ही बारीकी से पुलिस इस बात की विवेचना कर रही है। उन्नाव गैंगरेप मामले की सीबीआई जांच भी चल रही है। आपको बता दें कि पीड़िता को उन्नाव गैंगरेप केस में न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। मामले में सीएम की सख्ती के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज की थी और मुख्य आरोपी विधायक सेंगर को गिरफ्तार किया गया था। तब से अभी तक पीड़िता के परिवार के साथ हादसे पर हादसे होते चले जा रहे हैं। चाचा जेल में बंद है, पिता की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। बाद में पिता की मौत के चश्मदीद गवाह की भी मौत हो गई। अब चाची और मौसी भी हादसे में मारे गए, जबकि उनके वकील की हालत नाजुक बनी है, जिस पर सवाल उठना तो लाजमी ही है। और इसी सवाल के घेरे में फिर कुलदीप सेंगर फंस चुके हैं। सेंगर समेत करीब 30 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। अब देखना होगा कि हादसे की जांच की आंच का असर सेंगर पर कितना पड़ता है। R9 TV के लिए राघवेंद्र की रिपोर्ट।